वेलकम टू माई चैनल. आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. तो मैं आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करने वाला हूँ. तो आज ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो देखते हैं कैसा बनता है कैसा नहीं. मैं तो एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉगिंग का, तो मैं जस्ट ऐसे ही फन के लिए शूट कर रहा हूँ. तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ और मैं जा रहा हूँ उदयपुर, और ये मेरा ट्रैवल का पहला ब्लॉग है. तो उदयपुर के लिए फ्लाइट है मेरी 7:40 की. अभी कुछ टाइम हो रहा है 6:55. तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर में बोर्डिंग है, तो बोर्डिंग करके उसके बाद 1-1.5 घंटे की फ्लाइट होगी गाइस. तो उदयपुर चल के क्या क्या है और क्या क्या नहीं, चलो मिलते हैं आपको. करीबन 1 घंटे का रास्ता था लेक पिचोला का, और लेक पिचोला से हमने होटल ले लिया है जो कि रीजनेबल रेट पे है, जो कि हमारे बजट में है. और बट मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ सीरियसली गाइस, अगर आप व्यू देखोगे ना लेक पिचोला का तो मज़ा आ जाएगा आपको एक बार व्यू. मेरा होटल जिसमें मैं अभी स्टे कर रहा हूँ, और आपको होटल का रूम टूर देने से पहले आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ, जो कि है इस तरह. ये देखो, ये है भाई साहब व्यू, बहुत ही औसम व्यू है. अभी हमने यहाँ पे अभी घूमना है, अभी थोड़ी सी दोपहर है और टेम्परेचर थोड़ा गर्म है यहाँ पे. और मैंने जैसे कि यहाँ पे सुना कि टेम्परेचर रात में थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो देखते हैं अभी कैसे घूमते हैं अभी उसके बारे में. और ये देखो व्यू है पूरा, यहाँ पे बोटिंग पूरी बोटिंग हो रही है, और ये है बढ़िया व्यू. सामने से ही व्यू दिखता है एकदम बढ़िया, और अब लेके चलता हूँ आपको मैं अपने रूम पे. चलो आओ, चलो आ जाओ, तो रूम टूर देता हूँ आपको मैं. एक बढ़िया सा एक राजस्थानी स्टाइल से रूम बना हुआ है, जो कि ऐसा कुछ दिखने में लगता है. ये यहाँ पे राजस्थानी इन्होंने चेयर वगैरह रख रखी है, और इनकी जो ये आपको सोफा वगैरह दिखेंगे ये भी राजस्थानी स्टाइल में बन रखे सब कुछ. Thank you.
जगदीश मंदिर में, तो अभी यहाँ पे विजिट किया हमने जगदीश मंदिर में। यहाँ पे कुछ पाठ वाठ चल रहा है कोई मंदिर वालों का की तरफ से, कुछ ऐसा सा दिखता है मंदिर, और देखने में तो बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल सा बना हुआ है। आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ इसका कैसा है देखने में। तो ये इसकी एंट्रेंस है मंदिर की, और ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। सॉरी गाइस, तो मैं इस ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाया, एंड ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आपको होटल चार्जेस एंड कैब चार्जेस वगैरह मैं सब बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो कि क्या प्राइस वगैरह हैं वहाँ उदयपुर में जाने के, स्टे करने के। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू सो मच।